एक मल्ला का बेटी वीरांगना फूलन देवी, जो हर जुल्म के सामने में घुटना नहीं टेका और उसके लिए लड़ाई लड़ते रहा और आपका और हमारा मान सम्मान को आगे बढ़ाया, पूरे भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। लेकिन आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी आज उसको हम सम्मान देने का हमने कोशिश किया, लेकिन ये सरकार ने क्या किया, आपके पूर्वज या जिसको आप मानते हैं उनके ऊपर एक माला तक चढ़ाने के लिए सरकार नहीं दिया। तो आप समझिए, ये सरकार जब आपके एक प्रतिमा पे माला चढ़ाने के लिए सम्मान नहीं दे सकता है तो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए और आपके लिए क्या सम्मान दे सकता है। आज उत्तर प्रदेश में एनडीए हो या यूपीए हो, 403 लोग विधानसभा सीट है, लेकिन उसमें आपको सम्मान क्या मिल रहा है? या सरकार बनता है तो आपको सम्मान क्या मिल रहा है? जो समाज जागरूक हो गया वो समाज देखिए कहां से कहां पहुंच गया। चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, देखिए यादव का क्या बोलबाला है, या उत्तर प्रदेश ले लीजिए, या बहन मायावती के नेतृत्व में ले लीजिए, हमारे एससी एसटी के भाई सब आगे निकल गया। कोई भी काम कराने के लिए आपके पास पॉलिटिकल विल पावर चाहिए या संघर्ष करने का क्षमता चाहिए। आज मैं भी एक मल्ला के घर में जन्म लिया, परिवार में जन्म लिया, गरीबी में जिंदगी मैंने जिया है। जहां लोग कहते ना कि हजारों समस्या हजारों तकलीफ है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया, 200 रुपये मुंबई चला गया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी किया, अपने घर परिवार को छोड़कर मैं दूसरे शहर चला गया, लेकिन मेहनत के दम पे मैंने अपने मुकाम को हासिल किया। फिर मैं लौट के आया, देखा अपना समाज बहुत पीछे है, इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। हमने बिहार में लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, हमने लाठी डंडा, हम चुनाव हारे, उसके बाद भी हमने रुका नहीं। और 2020 आते आते बिहार में जो सरकार बना है, या बिहार में कह सकते कि मुख्यमंत्री बना है, उस मुख्यमंत्री बनाने में निशान का मल्ला का बेटा था, कस्टम का बेटा था, हम और अधिकार उसके साथ बना है। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, इस देश को आजादी दिलाने में तो 250 साल लग गया, लेकिन बिहार में निशान को बेटा को सम्मान दिलाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। हमने 14 में संघर्ष चालू किया और 20 में सत्ता में आ गया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना, निषाद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन निषाद का बेटा का साइन पे, उनके समर्थन पे बिहार में मुख्यमंत्री बना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्यार आपका सहयोग पूरे उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार के निषाद चाहेगा तो आने वाले समय में 2025 में आपका निषाद का कस्तब का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं बताइए कि मैं बिहार से यहाँ पे तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर मैं क्यों आया हूं? मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं और ऐसी ताकत से लड़ाई लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, हम उनके साथ बिहार में गठबंधन में भी है, सरकार में भी है, उसके बावजूद भी मैं उनसे लड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे लड़ेंगे नहीं तब तक ये हमारा हक अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। और हमारी पार्टी का मांग है कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिलता है, जब आपके यहाँ पे दिल्ली में आरक्षण निषाद को मिलता है, तो आपके जिला में क्यों नहीं, आपके प्रदेश में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं और उसके बावजूद भी उससे दोस्ती नहीं करके यहाँ पर हम उससे दुश्मनी लेकर, और पूरे प्रदेश में अभी तक हम 85 कैंडिडेट का नाम का घोषणा हो गया और भी कैंडिडेट का घोषणा होगा। आने वाले समय में मजबूती से हम लड़ेंगे। हमें नहीं पता है कि हम कितना जीतेंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो लोग हमें सम्मान नहीं देगा उसके कई दर्जन कैंडिडेट को हराएंगे। एक बार जब तक हराएंगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आप और हमारे पूर्वज आजादी के 75 साल बीतने के बाद हर 5 साल में 2 बार हम वोट गिराते हैं, एक बार विधायक के लिए, एक बार सांसद के लिए। आज 75 साल में तकरीबन हम लोगों ने 30 बार वोट गिराया। 30 बार वोट गिराने का परिणाम उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। कौन जीतता है, कौन हारता है, और सत्ता में कौन रहता है, हमारे कोई बारे में सोचता ही नहीं। तो हमें इस चुनाव में भी वही सोचना है
कौन जीतता कौन हारता मुझे उसका परवाह नहीं करना है। हमें हमारा वोट किसी का जागीर नहीं है, हमारा वोट हमारे भाई के पास जाएगा, हमारे प्रत्याशी के पास जाएगा, हमारे पार्टी के पास जाएगा। तब आने वाले समय में लड़ाई होगा, 2 साल के बाद फिर लड़ाई है। अभी हम 22 में हैं, 24 में फिर से लड़ाई है, और वो लड़ाई बहुत बड़ा होगा, वो देश का प्रधानमंत्री बनने का लड़ाई होगा। आज तो राज्य का मुख्यमंत्री बनने का लड़ाई है, देश का 38 राज्य है, कोई राज्य में मुख्यमंत्री बदलेंगे बदल जाएंगे दिल्ली वाले को फर्क नहीं गिरेगा, एक राज हारेंगे जाएंगे आएंगे उसको फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन जब दिल्ली का सत्ता की बात होगा, दिल्ली की कुर्सी की बात होगा, तो जरूर सोचेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो 2024 से पहले हम आरक्षण अपने समाज के लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पूरे पश्चिम में ऐसे तो हमने बहुत सारा कैंडिडेट हमने दिया, लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट में पेपर वर्क की कमी के कारण या प्रशासन हमें उचित नहीं समझने के कारण बहुत जगह हमारे प्रत्याशी का नमन का रद्द हो गया है। खैर कोई बात नहीं, जो भी हमें हमारा प्रत्याशी बना है उसको मजबूती से हमें जिताने का प्रयास करना है। हमें पूरे प्रदेश में 25 लाख वोट आए, ये हमारी टारगेट होना चाहिए। तब जाके लोगों को लगेगा कि नहीं, समाज जाग चुका है, दलित समाज जाग चुका है, निषाद समाज जाग चुका है, निषाद से सभी उपजाति समाज जाग चुका है और अपने संघर्ष करना सीख गया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई करना सीख गया और अपने अधिकार को लेकर रहेगा। आप इस चुनाव में वोट दीजिएगा तो भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं दीजिएगा तो भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। आज तक आपके पूर्वज ने दिया या नहीं दिया तो भी कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनते आया है, लेकिन आपको फायदा क्या मिला? जब आप नहीं देंगे तब आपके पार्टी में आपके प्रत्याशी जीतेगा या आपको प्रत्याशी सामने वाले को हराएगा, तो ही होगा। हम जीतेंगे या हारेंगे, और हारेंगे भी तो दूसरे को हराएंगे, तब आपका एक्चुअल में आपका ताकत दिखेगा। तब 2024 में अगला को लगेगा कि ये हमें नुकसान देगा और हमें सत्ता से बाहर कर सकता है, तो आपके सामने भी झुकेगा। जैसे कृषि कानून के लिए झुका और कृषि कानून वापस लिया, वैसे आपके सामने में झुकेगा। आज बिहार में 4 पार्टी की सरकार है।